हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। बेटा, अब तक हमने ग्रुप क्या होता है वो समझा, और थोड़ा बहुत अभिलयन ग्रुप के ऊपर भी हमने काम किया है। आज हम सब ग्रुप्स के ऊपर काम करेंगे और डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे बेस्ड अपॉन सब ग्रुप्स। तो आइए ज़रा बात करते हैं। ग्रुप पे अगर बात की जाए तो बेटा, टिल डेट अब तक हमने ये किया कि जी स्टार इज अ ग्रुप मीन्स फोर एक्सियम्स, क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स। वो यहाँ मेंशन नहीं किया जाएगा। अब सब ग्रुप से आप लोग क्या समझते हो बेटा? देखिए, हम लिखेंगे ऐसे, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब जैसे कि जो लास्ट क्लासेस में बच्चे जुड़े थे, उन सबको पता है कि ए स्टार बी को सिंपली रिप्लेस किया जा रहा है ए बी से। क्यों रिप्लेस किया जा रहा है? टाइम बच जाए, देखने में बेहतर लगे, बच्चों को परेशानी भी ना हो, कंफ्यूजन भी ना हो। ये नोटेशन हैंडल करना बजाय इसके बहुत आसान। तो कुछ वैसे ही यहाँ हो रहा है बेटा। आप बोलेंगे तो ये पूरा, लेकिन आज के बाद ये पूरा लिखेंगे नहीं। तो क्या लिखेंगे सर? इसकी जगह ये लिखिए। हाँ जी, मैं भी बरसों से पढ़ा रहा हूँ, पर पूरा विश्वास दिला सकता हूँ आपको, इस नोटेशन के साथ काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे लेस और बोलेंगे सब ग्रुप। तो एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अगर यहाँ नॉट लगा दिए तो ए इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो नोटेशन शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, लेट एच कंटेन इन जी बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप। देखो भाई, अभी आपने एक बार बोल दिया एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप। पिक्चर भी देख लीजिए, दिस इज योर एच। भाई, जब एच इटसेल्फ अ ग्रुप है तो इसका मतलब यहाँ से आप कह सकते हो कि बेटा, क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और ये जो इनवर्स है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सब के सब हो जाएंगी वैलिड। किस में? उस जी में नहीं, एच में। अभी जब वो सब कुछ एच में वैलिड हो गया, तो अब उसको जी की जरूरत थोड़ी ना, एच तो खुद ही बहुत पावरफुल है। ओके, ये अपनी बाउंड्रीज की रक्षा करने में सक्षम है, अब उसको जी की आवश्यकता नहीं है। जी हटाइए, सॉरी। ठीक है, अपने आप में एंटिटी है अच्छी खासी और बहुत पावरफुल चीज है। फाइन। देखो भाई, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, सबके सब एच में वैलिड होने चाहिए। अच्छा, अब सेकेंडली, अगर आपको किसी सबसेट को सब ग्रुप शो करना है, बेटा कायदे से ये चारों चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी। इनिशियल स्टेज पे तो समझ में आता है कि ये चारों चीज़ें शो करनी पड़ेंगी, बट ज़रा आप लोग याद कीजिए, जब ग्रुप शो कर रहे थे तो भी ये शो कर रहे थे, जब सब ग्रुप शो करेंगे तो भी ये शो करेंगे। तो कुछ जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। एडवांस है ना, एडवांस। यहाँ कुछ एडवांस तो किया नहीं आपने, तो देखिए ज़रा एडवांस कैसे करेंगे। अब इसको छोड़ के, उन्होंने दो क्राइटेरियाज, बल्कि तीन क्राइटेरियाज डिराइव किए हैं जो बच्चे का समय बचाएंगे, और वो कुछ इस तरीके से। देखो, दिस इज कॉल्ड वन स्टेप टेस्ट, टू स्टेप टेस्ट एंड फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। एक एक करके बताते हैं आपको। देखो बेटा, सबसे पहले टू स्टेप टेस्ट, जो कि कमाल का है। फिर आएगा वन स्टेप टेस्ट, व्हाट इज टू स्टेप टेस्ट, लेट एच कंटेन इन जी, एच इज नॉन एम्प्टी, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली। पहला स्टेप, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच, एंड सेकेंड ए बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। देखने में पता लग रहा है आपको, ये क्लोजर हो गया और ये आपका इन्वर्स हो गया। अच्छा सुनो, अभी बेटा लास्ट क्लासेस में भी बताया था, ए बी नहीं है, ए स्टार बी है। तो इसको ए बी ना पढ़ के अगर आप ए स्टार बी पढ़ेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। दिस इज ए स्टार बी। अच्छा जी, तो वॉट इज ए स्टार बी इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सिंपली ए बी। वॉट इज ए स्टार बी इन केस ऑफ एडिशन, ए प्लस बी। तो तैयार रहिएगा, एडिशन में क्या होगा,
और एडिशन में इनवर्स क्या होता है? माइनस है, दैट शुड बी क्लियर। अभी तो रही वन स्टेप टेस्ट, देखो सेम चीज, बिल्कुल वही चीज है। तो मैं खाली स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, एक ही स्टेप में आपका काम हो गया। ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगेन वार्निंग है आप लोगों के लिए, वो क्या है बेटा, ये है ए अलॉन्ग विद बी इनवर्स, याद रखिए। वॉट इज ए स्टार बी इनवर्स इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो समझ में आता है, बट वॉट इज ए स्टार बी इनवर्स इन केस ऑफ एडिशन? तो ये बन जाएगा एडिशन, ए प्लस बी इनवर्स यानी माइनस बी, तो दिस विल बिकम ए माइनस बी। ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए। अब इन दोनों पर बेस कुछ मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ आप लोगों को, आइए। जी क्या है जी? जी है कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली। एच क्या है? ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 है। तो मॉड जेड 1 का मतलब वही यूनिट सर्कल, विजुअलाइज हो रहा है तो ठीक है, नहीं भी हो रहा तो भी काम चल जाएगा। ज़रा थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा, अगर जेड ए प्लस आई बी है तो जो इसका मॉड जेड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखिए। दूसरा दूसरा इफ जेड इज ए प्लस आई बी, जेड बार इज ए माइनस आई बी, जी वॉट इज जेड जेड बार? तो आप सभी देख पा रहे हैं बेटा, ये तो मॉड जेड का स्क्वायर होगा, ठीक है? तो मॉड जेड के स्क्वायर को जेड जेड बार में लिख सकते, ये सब चीज़ें यहाँ यूज होंगी। बाकी रैशनलाइज वगैरह करना तो आपको आता ही। आ जाओ देखो देखो भाई, ज़रा ध्यान से करना क्या है आपको। हाँ जी, सॉल्यूशन बेटा, बच्चा अक्सर पूछता है कि सर वन स्टेप टेस्ट से करें या टू स्टेप टेस्ट से करें, किसी से भी कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आपको एलेबोरेट करके अच्छे से एक्सप्लेन करके देना है, आप टू स्टेप टेस्ट यूज़ कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचाना है, क्विक क्विकली काम करना है, वन स्टेप टेस्ट से कीजिए, पहले टू स्टेप टेस्ट से करते हैं। देखो सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1 पहले क्लोजर होगा फिर इनवर्स होगा। बेटा देखो क्लोजर, ये जी है, ये आपका एच है। क्लोजर के लिए अगर दो मेंबर्स इसमें हैं तो दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन है वो इसी में होना चाहिए। तो लेट जेड वन एंड जेड टू बिलोंग्स टू एच, जी एच में होने के लिए क्या कंडीशन है? मॉडुलस 1 होना चाहिए, दैट इज मॉड ऑफ जेड वन एंड मॉड ऑफ जेड टू, दैट इज मल्टीप्लाई कर दो मेरे बेटा, दैट इज मॉड ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मॉड, रियल में भी होता है कॉम्प्लेक्स में भी होता है। बेटा किस चीज़ का मॉड 1 है? जिसका मॉड 1 है वो तो एच में जाएगा, जिस भी चीज़ का मॉड 1 है वो तो एच में जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, क्लोजर हो गया। अब जरा इनवर्स भी देख लेते हैं। लेट जेड बिलोंग्स टू एच, अब सबके दिमाग में है कि इसका इनवर्स तो 1/z होना चाहिए। अब बेटा 1/z कैसे निकालेंगे? बहुत सारे तरीके हैं उसके, बहुत सारे तरीके हैं। अप्रोच 1, अप्रोच 2, अप्रोच 3, पहले बच्चों वाला अप्रोच देखिए। हाँ जी, एक स्टूडेंट को तो ऐसे ही करना चाहिए। मान लीजिए ऐसा है तो बेटा ये हो जाएगा आपका ए माइनस आई बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना ये तो भूलने वाली चीज़ है नहीं कि अगर जेड एच में है तो मॉडुलस जेड 1 है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो गया। तो बेटा दिस टर्न्स आउट टू बी ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ ए माइनस आई बी, और अगर हम गलत नहीं है तो ये जेड बार है, ठीक है? सो जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार एंड दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। क्यों? इसका मॉडुलस, भाई अगर जेड का मॉडुलस 1 है तो इसका मॉडुलस भी 1 है।
बेटा क्या क्या कर लिया आपने? आपने क्लोजर कर लिया, आपने इन्वर्स कर लिया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं बेटा, जो पिछले टेस्ट थे आपके, वन स्टेप टेस्ट हो चाहे टू स्टेप टेस्ट हो, ये नहीं भूलना है आप। ओके, ये चीज़ नहीं भूलनी। नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी बच्चों को दिखाना पड़ेगा। हम तो थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, नॉन एम्प्टी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाता हमारा, लेकिन आपको अगर पूरे मार्क्स चाहिए, सब कुछ विश्वास के साथ करना है, तो नॉन एम्प्टी भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा, नॉन एम्प्टी। हाँ जी, ऐसा नंबर बताइए जिसका मॉडुलस वन है, -1 है, आयोटा है, -आयोटा है, 1/√2 + iota × 1/√2, दुनिया भर के एलिमेंट्स हैं, तो नॉन एम्प्टी ऑब्वियस। क्लियर हो गया? तो एच इज अ सबग्रुप ऑफ जी। प्लीज नोट, वन बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज एच इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, नॉन एम्प्टी इज ऑब्वियस, मेंशन जरूर कर दीजिएगा, तो ये आपका पूरा पूरा काम हो गया। ठीक है, और मैं इसके लिए बता रहा था कि इसका एक और मेथड है, इन्वर्स निकालने का एक और मेथड है, वो सुनिए। देखिए इन्वर्स कैसे निकालोगे आप लोग। देखो बेटा, अगर जेड एच में है, दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ जेड वन है। अगर मॉडुलस ऑफ जेड वन है, तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर भी वन है। बट मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है मेरे बेटा? समझ में तो आ ही गया होगा आपको, यही था ना? क्लियर हो गया? तो जेड इनवर्स जेड बार, दिस वे यू कैन, चलना भी चाहिए आप। नेक्स्ट, दिस वॉज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, प्रॉब्लम नंबर टू। बल्कि डायरेक्टली डायरेक्टली करते हैं। देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये जेड प्लस है, आपको पता है, फर्स्ट क्लास में बताया था, जेड प्लस इज अ ग्रुप, प्लस के रिस्पेक्ट में इंटीजर्स का जेड ग्रुप बनाता है। ठीक है, इसके सब ग्रुप्स क्या क्या होंगे, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। मान लीजिए आप सेट लेने जा रहे हैं मेरे बेटा 2z, या इस तरीके का 4z भी चल जाएगा। बेटा 2z यानी मल्टीपल्स ऑफ 2, इसको लिखेंगे आप 2k, वेयर k बिलोंग्स टू z। 0 ± 2 ± 4 ± 6 एंड सो ऑन। लाइकवाइज दिस विल बी 3k, यानी 0 ± 3 ± 6 एंड सो ऑन। तो ये वाले सेट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए शो दैट 2z इज अ सब ग्रुप ऑफ z प्लस। ठीक है, फाइन, आराम से हो जाएगा। बहुत आराम से हो जाएगा, ये कर। पहले क्लोजर, लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है 2z में, देयर फोर ए इज ऑफ द फॉर्म 2k1 एंड बी इज ऑफ द फॉर्म 2k2 फॉर सम k1 एन के टू बिलोंग्स टू दैट। दैट इज ए बी नहीं लेना भाई, यहाँ का क्लोजर ए प्लस बी होगा, सॉरी हाँ ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी। सो दिस इज ए प्लस बी मेरे बेटा। एज लॉन्ग एज वी हैव अ मल्टीपल ऑफ टू वी आर थ्रू। देखिए क्लोजर तो हो गया भाई, अब जरा इनवर्स पे भी आ जाते हैं। इनवर्स कैसे होगा वो देखो, इफ ए बिलोंग कर रहा है 2z में, दैट इज ए इज ऑफ द फॉर्म 2k फॉर सम k बिलोंग्स टू z, दैट इज व्हाट इज माइनस ए,
बट इसको आप इजीली लिख सकते हैं 2 टाइम्स माइनस के। अच्छा, अब क्योंकि के इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर है, तो बेटा ये तो 2z में बिलोंग करेंगे। बस पहले के जैसे आपका काम हो गया, क्लोजर आपके पास है, इनवर्स आपके पास है, इंडिजर सबको। अब यहाँ सुनिए, मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिए बेटा। चेंजेस कुछ इस तरीके से हैं कि जो काम आपने 2z के साथ किया, अपने आप से पूछिए कि भाई 2z तो सब ग्रुप प्रूव हो गया, क्या इसी मेथड से 3z भी हो जाएगा? ये देख लेते हैं 3z में कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे। भाई ये इधर आएगा 3k1, 3k2, 3k1 + 3k2 3 टाइम्स बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ आएगा आपका 3k - 3k, 3 × - k, दैट इज़ फाइन। समझ रहे हैं? ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ओहो, यानी कि फिर तो ये भी हो जाना चाहिए, फिर तो सब कुछ हो जाना चाहिए। यस, यही समझ में आ रहे हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है, उसमें इनफाइनेटली मैंने सब ग्रुप्स हैं आपके पास। सो लेट मी राइट। वी हैव इनफाइनाइटली मेनी, सब ग्रुप्स ऑफ टाइप, ये है आपका NZ, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स बोलिए, जेड प्लस बोलिए, ठीक है। इनफाइनाइटली मैंने 2z 3z 4z सब सबको प्रूव भी करके बता दिया, जैसे 2z के साथ किया है वैसे NZ के साथ आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अब एक दो प्रॉब्लम्स के बाद एक और क्लासिक प्रॉब्लम बता देते हैं। देखो, देखो जी, लेट जी है आपका M2×2 इंटीजर्स एंट्रीज के साथ, और प्लस में है एच है ऐसा 2×2 इंटीजर मैट्रिक्स जिसके लिए सारे एंट्रीज का सम 0 है। ओके, आपको शो करना है जो है जी का सब ग्रुप। यहाँ लेट मी मेंशन समथिंग, आइए अब ये सब ग्रुप कैसे होगा वो देखिए, बड़े आराम से बड़ा मजे से हो जाएगा। देखो जब सॉल्यूशन, 1 स्टेप टेस्ट 2 स्टेप जो भी आप करें, यूजिंग 1 स्टेप टेस्ट। अच्छा जी, तो ले लीजिए a, b कैपिटल मेट्रिसेस एच में है, दैट इज ए इज ऑफ द टाइप, बी इज ऑफ द टाइप वेयर सारी एंट्रीज का सम 0 होना चाहिए, a+b+c+d 0 एंड x+y+z+t 0। हाँ जी, हमें ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, अगर क्लोजर लगाते तो a+b होता, लेकिन अगर आप 1 स्टेप टेस्ट लगाएंगे तो a b इनवर्स। तो बेटा यहाँ ए बी इनवर्स का मतलब a*b इनवर्स, एडिशन में क्या होगा, a+a-b हो गया, तो यानी a-b। आइए आइए आइए, वॉट इज a-b मेरे बेटा? ये हो जाएगा a-x b-y c-z एंड d-t। नाउ प्लीज आस्क योर सेल्फ, ये क्वांटिटी एच में कब बिलोंग करेगा? ऊपर चलिए। हाँ जी, इस तरह का मैट्रिक्स एच में बिलोंग करने के लिए ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि सारे एंट्रीज का सम 0 हो जाए। तो बेटा अगर इन सारे एंट्रीज का सम, अगर इन चारों एंट्रीज का सम 0 हो गया तब आपका काम हो जाएगा। आओ मैं रीजन दे रहा हूँ, सबको ऐड कर दो, a-x
बी माइनस वाई, बी माइनस जेड, बी माइनस टी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अरेंजमेंट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, ठीक है बेटा? हाँ जी, दिस इज 0 माइनस 0 विच इज 0 हो गया बेटा, क्लियर हो गया? तो बहुत शानदार सॉल्यूशन है, बड़े आराम से आप समझ सकते हो, आप सभी लोग, सब ग्रुप प्रूफ, फाइन। अच्छा, अब एक पॉइंट देख लीजिए, किताबों में भी ये क्वेश्चन है, जो मेरी बुक है, मेरी पर्सनल बुक है जो मैंने लिखी है बेटा, इसमें भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, आइए, एक छोटा सा पॉइंट, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब उसने पूछा व्हाट इफ जीरो इज रिप्लेस्ड बाय वन, यस व्हाट इफ जीरो इज रिप्लेस्ड बाय वन, तो लेट मी एग्जामिन दिस बेटा। इस केस में जो आपका एच है वो तो ये बन जाएगा, पिक्चर देखिए, व्हाट इफ जीरो इज रिप्लेस्ड बाय वन, ध्यान से देखो। अब क्या है इसमें, कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, देखो ए ले लो या एक्स ले लो, कैपिटल एक्स ले लो, ये क्या सारे चारों एंट्रीज का सम वन है, यस, तो एक्स मेंबर हो गया एच का। लाइकवाइज वाई ले लीजिए, ये अगेन चारों एंट्रीज का सम वन है, एक्स इज अ मेंबर ऑफ एच, वाई इज अ मेंबर ऑफ एच, बट नॉट एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि एक्स प्लस वाई फेल हो जाएगा। ये तो एच का मेंबर ही नहीं है, क्यों? यू नो द रीजन। हाँ जी, व्हाट इफ जीरो इज रिप्लेस बाय वन, तो बेटा इसका आंसर है, इफ जीरो इज रिप्लेस बाय वन देन एच सब ग्रुप नहीं हो पाएगा, क्यों? एक्स इक्वल टू 1 0 0 0 बिलोंग्स टू एच एंड वाई इज इक्वल टू 0 1 0 0 बिलोंग्स टू एच, बट क्लोजर है, क्लोजर 1 1 0 0 इज नॉट अ मेंबर ऑफ एच, क्लियर हो गया? तो जीरो को आप वन से रिप्लेस करेंगे तो सब ग्रुप नहीं बन पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर एंड यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर बात कर लेते हैं, देखिए अभी हमारे पास तीन प्रॉब्लम्स हो गई ना, तीन हो गई, फोर्थ करा देता हूँ आपको जी। ये तो वेल दिस इज इजी, एक्चुअल में जो डिस्कशन हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, वी आर डीलिंग विद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप से डील करेंगे। देखिए क्या स्टेटमेंट है, एच सब ग्रुप है जी का, के सब ग्रुप है जी का, दिस इम्प्लाइज एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप होगा जी का। आपके ऊपर है, आप वन स्टेप टेस्ट, टू स्टेप टेस्ट कुछ भी यूज कर सकते हैं, वन स्टेप टेस्ट यूज करते हैं भाई। लेट ए बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, इंटरसेक्शन का मतलब जो कुछ भी इंटरसेक्शन में वो एच में भी और के में भी है। जो ए बी है इसको एक मान लीजिए, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है बेटा एच में एंड द सेम ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है के में, दैट इज वन स्टेप टेस्ट लगाएंगे, ए बी इनवर्स एच में, ए बी इनवर्स के में, दैट इज ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के, दैट इज एच इंटरसेक्शन के का सब ग्रुप, क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है, बस यहाँ एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी आपको, भाई यहाँ से यहाँ कैसे आए, तो यहाँ से ऐसे आए सेंस बोथ
सॉरी, क्योंकि दोनों सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, सिंपल। अब देखो, दिस इज इम्पोर्टेंट, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, दिस इम्प्लाइज एच यूनियन के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। नहीं बेटा, ये गलत है, ये गलत है। मतलब इंटरसेक्शन में तो सब ग्रुप बन जाता है, लेकिन यूनियन में सब ग्रुप नहीं बनता है। कोई भी बच्चा एग्जांपल ला सकता है, आराम से आ जाएगा। देखिए, हाँ जी, देन एच सब ग्रुप है जी का, के सब ग्रुप है जी का, बट एच यूनियन के सब ग्रुप नहीं है जी। आप कहेंगे क्यों नहीं है, सुन लो सुन लो, हमारे एक लग बैठे हैं, रीजन सुनिए। हाँ जी, टू एच में है तो एच यूनियन के में है, थ्री के में है तो एच यूनियन के में है, वेयर एज क्लोजर, व्हाट इज 2 + 3, क्लोजर ऑफ एडिशन 5, 5 तो यूनियन में नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं है, अरे बेटा यूनियन का मतलब मेंबर्स ऑफ एच अलोंग विद मेंबर्स ऑफ के, उसमें ऐड थोड़ी ना होगा भाई। अगर कैपिटल ए में आपका 1 2 3 बैठा हुआ है, कैपिटल बी में आपका 4 5 6 बैठा हुआ है, तो यूनियन में 1 2 3 4 5 6 आता है ना, ऐड थोड़े ना होके आते हैं। सेम ईयर एच के अंदर 2 के मल्टीपल थे, के अंदर 3 के मल्टीपल थे, तो यूनियन के अंदर 2 और 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे सर, उसमें 5 थोड़े ना आएगा। क्लियर हो गया? तो ये एग्जाम्पल है आपका, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट बी अ सब ग्रुप, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कब होगा बेटा, कब होगा का आंसर नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द लेक्चर।